सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बी वी जेमी। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम लोग फिर से घूमने निकलेंगे, तो मैं सुबह सुबह उठ के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने जमजम को भी रेडी करके नीचे भेज दिया है। और मैं वीडियो क्लिक कर रही थी और कुछ फोटोज भी क्लिक कर रही थी और मुझे वो बहुत परेशान भी कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको पहले रेडी करके नीचे भेज दिया है जाते मैं शांति से वीडियोस फोटोज क्लिक कर पाऊँ। और हम लोग थर्ड फ्लोर में थे तो मैं ऊपर से देख पा रही थी कि वो अपने डैडी के साथ क्या कर रही है, और वो थोड़ा अपने डैडी को परेशान कर रही थी और ये देख के मुझे ऊपर से बहुत मज़ा आ रहा था। और अब मैं भी नीचे जाती हूँ। मैं और माही सिर्फ ऊपर थे और बाकी लोग ऑलरेडी नीचे आ चुके थे। और आज का भी प्रोग्राम माही की फूफी ने फिक्स किया है, तो हम लोग सब गाड़ी का वेट कर रहे थे। और आज जाएंगे हम लोग गाजोलोबा और फिर वहाँ से हम जाएंगे तिस्ता, वहाँ पे एक ब्रिज है। और फिर यहाँ पे जमजम की नज़र मुझ पर पड़ती है, वो मुझे देख इतना ज़्यादा खुश हो जाती है और मैं खुद इसको छोड़ के थोड़े देर भी नहीं रह सकती। और यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंज ट्री थे और छोटे छोटे काफ़ी सारे ऑरेंज लगे हुए थे और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और फिर हमें गाड़ी का वेट करते करते एक घंटे हो जाते हैं और गाड़ी जैम में फंस जाता है क्योंकि गाड़ी को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बीच में थोड़ा शॉपिंग करके भी आ जाती हूँ, जिसका वीडियो मैं क्लिक करना भूल गई थी इसलिए दिखा नहीं पाई। तो जब मैं आके देखती हूँ तो अभी भी सब वेट कर रहे थे और अभी भी गाड़ी आने में लेट था। और फिर फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद गाड़ी आता है क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा जैम में फंसे हुआ था, तो हम लोग का निकलते ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और फिर बाकी लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे बोरोली रिजोर्ट। हम विकल्प और फिर हम तिस्ता बैरेज के पास से ही बोरोली रेस्टोरेंट पे जाते हैं और जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है, करीब डेढ़ घंटा लग जाता है। और इतने देर में बाकी लोग सब सो जाते हैं और जमजम को ऐसे भी गाड़ी में उठते उठते ही नींद आने लग जाता है, वो तो गाड़ी में उठते ही वो सो जाती है। और रेस्टोरेंट में जाते ही सबसे पहले मेरा काम है जमजम को खिलाना क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमारा पहुँचते पहुँचते। और फाइनली सोते सोते हम पहुंच जाते हैं रिजॉर्ट में। और सबसे पहले तो हम लोग लंच करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऐसे भी कुछ खाया नहीं था और इतना ज़्यादा भूख लगा हुआ था सबको। और फिर हम सब गाड़ी से नमते हैं और नमते ही जमजम भी उठ जाती है और वो उठ के पहले जाती है रैबिट देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा रैबिट था और बाकी लोग जाते हैं खाने का ऑर्डर करने के लिए और हम लोग यहाँ पे आते हैं रैबिट देखने के लिए। और जमजम गाड़ी में थोड़ा सा सो गई थी तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ था क्योंकि फिर वो चैन से खाना खाएगी। और फिर थोड़ी देर इसको घुमा लेते जाते ये थोड़ा फ्री हो जाए। और फिर हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट की तरफ और यहाँ पे बहुत सारे पिकल्स रखे हुए थे बाहर में। और अंदर से भी ये रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा था क्योंकि यहाँ हमारा आने में ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपना लंच कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग घूमने निकलेंगे। और हम लोगों ने जाते ही अपना ऑर्डर कर दिया था तो खाना भी हम लोग का आ चुका है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा आइटम ऑर्डर किया था और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगता है स्टार फ्रूट की चटनी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। और यहाँ पे मैं खुद भी खा रही थी और जमजम को भी खिला रही थी खिचड़ी जो कि माही की फूफी ने बना के लाया था घर से, और उसके लिए मुझे खिचड़ी मिल जा रहा था रोज़ रोज़, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। और फिर हमारा लंच कम्प्लीट होता है और फिर हम लोग रिजॉर्ट घूमने निकलते और जगह काफ़ी अच्छा था टाइम पास करने के लिए और यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, काफ़ी अच्छा वेदर था और यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और बहुत बड़ा जगह लेकर था ये रिजॉर्ट और चारों तरफ बहुत सारा फ्लावर्स था और बहुत सारा फ्रूट्स और सब्जियों की गाज भी थी जिसका कि नाम भी मुझे नहीं मालूम। और फिर हम यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ये जगह कैमरा में उतना पता नहीं चल रहा लेकिन रियल में बहुत अच्छा था। और यहाँ पर हमें दिखता है स्टार फ्रूट की एक बहुत बड़ी सी ट्री जिसमें बहुत सारे स्टार फ्रूट थे। और फिर अब यहाँ पे जमजम को देखें, ये थोड़ा सा भी अपने में बैलेंस नहीं रखती, ये गोद में आने से पूरा बैलेंस छोड़ देती, शायद उसको काफ़ी मज़ा आता है ऐसे। और यहाँ पे जो स्टार फ्रूट्स के ट्री थे यहाँ पे काफ़ी सारा स्टार फ्रूट्स था। और यहाँ पे खाने में भी हम लोगों को स्टार फ्रूट की चटनी दिया था जो कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, शायद ये लोग खुद ही बनाते हैं इसका चटनी। खैर हम लोग यहाँ से दो तीन स्टार फ्रूट लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ये जगह भी काफ़ी अच्छा था, घूम के मज़ा आया। और फिर हम जाते हैं यहाँ से तिस्ता ब्रिज की तरफ और वहाँ का सूट करना मैं भूल गई थी। और वहाँ पे पास में ही काफ़ी सारे साइकिल दिखे हम लोगों को और ये सारे साइकिल देख के मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं साइकिल चलाने के लिए। और यहाँ पे जब ये भी साइकिल धर ली थी, ये भी साइकिल नहीं छोड़ रही थी और ये डबल सीट साइकिल था। और सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड साइकिल चलाते और फिर थोड़ी देर घूमते और काफ़ी मज़ा आता है। और फिर
फिर हम लोगों के बाद एक एक करके सारे लोग साइकिल चलाते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। और फिर चलते ही हम थोड़ी दूर आते हैं, यहाँ पे एक नदी था, यहाँ पे हम लोग नाव में उठने आते हैं, लेकिन यहाँ का कंडीशन देखिए हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बस हम लोग कुछ सेल्फी क्लिक करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। वैसे ये जगह भी काफ़ी अच्छा था टाइम स्पेंड करने के लिए, और ये इस टाइम ही अच्छा है 4-5 बजे की तरफ यहाँ आना, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी व्यूज़ नज़र आएगी। खैर अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और जाते टाइम सारे लोग सोते सोते गए थे और आते टाइम सारे लोग जागे हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हुए हम लोग आए। और फिर हम सब अपने अपने रूम में आ जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और मैं सबसे पहले जमजम को खिलाती हूँ, खिला पिला के उसको पहले शांत करती हूँ और फिर मैं भी रेस्ट करती हूँ। और अब हम सब थोड़े देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा मार्केट घूमने के लिए। और मेरा तो शॉपिंग हो ही नहीं रहा था, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ जमजम परेशान करने लग जाती है और फिर उसके चलते मुझे वापस आ जाना पड़ता है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ही लिया है, लेकिन वो सेटिस्फाई वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा शॉपिंग करना था, तो बस थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो मैं शॉपिंग करने चली जाती थी अपने हस्बैंड को लेके। तो अब हम थोड़ी देर तक शॉपिंग वॉपिंग करते हैं और फिर हमें मिलता है एक चाय का दुकान, और यहाँ पे मेरी ननद और मेरी सासू अम्मा भी ऑलरेडी थी, क्योंकि वो लोग का हमें मुलाकात हुआ था मार्केट में। सो हम सब एक साथ ही आ गए यहाँ पे चाय खाने के लिए, और चाय काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। सुबह मेरे हस्बैंड भी लेकर आए थे ये चाय, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और फिर हम शॉपिंग किया और खाने की बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे जो कि ये लोग सब खा रहे थे। और फिर ये टाइम है रात का जबकि हम लोग डिनर कर रहे थे, और हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही एक बिरयानी का दुकान था, और यहाँ पे इतनी टेस्टी मटन बिरयानी मिल रही थी। सो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। सो टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।